इस वीडियो में आप लोग को सैमसंग M21 के कैमरा फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मैं बाई चांस कोई भी कैमरा फीचर मिस कर देता हूँ तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा सिस्टम के बारे में। तो इसमें आपको 20 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है और रियर साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जो कि मेन कैमरा सेंसर है वो 48 MP का, 8 MP का आपको अल्ट्राइड मिल जाता है और 5 MP का आपको डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं कैमरा फीचर्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फ़ोन में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 20 MP का, लेकिन जब आप फ्रंट कैमरे से फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो 20 MP की नहीं निकल के आती है। मैं आपको एक फ़ोटो कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। फ्रंट कैमरा ऑन है मेरा, ये मैंने फ़ोटो कैप्चर कर लिया। अब इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर जब आप इसकी डिटेल में देखेंगे तो इसका रिजोल्यूशन देखिएगा 3254x2448। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 MP की फ़ोटो निकल के आएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 8 MP की फ़ोटो कैप्चर करता है। आपको फुल 20 MP की फ़ोटो लेने के लिए क्या करना होगा, फ्रंट कैमरा ऑन करके और जो यहाँ पे 3:4 लिखा हुआ है इस पर टैप करना आपको। तो यहाँ पे देखेंगे 20 MP का एक डेडिकेटेड ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, जिस पे आप लोग क्लिक करके 20 MP की सेल्फ़ी ले सकते हैं। लेकिन ये सेल्फ़ी लेने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके। इसको क्लिक होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसका रिजोल्यूशन मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं 5184x3888। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कुछ 20 MP की निकल के आएगी सेल्फ़ी। सेम कंडीशन आपकी बैक कैमरा में है। तो यहाँ मैंने रियर कैमरा ओपन कर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ भी फ़ोटो क्लिक करता हूँ, एक ही ऐसी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अब इसका रिजोल्यूशन आपको दिखाऊं तो देखेंगे ये है 4000x3000, जो कि मल्टीप्लाई कर नहीं पाएगा 12 MP। तो जो बैक कैमरा है इसका रियर कैमरा, वो बाय डिफ़ॉल्ट 12 MP की फ़ोटो कैप्चर करता है। अगर आपको 48 MP का फ़ोटो कैप्चर करना है तो उसके लिए सिंपली जैसे मैंने आपको बताया इस पर क्लिक करना है 3:4 पे, फिर यहाँ पे आपको 48 MP का डेडिकेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो जब आप 48 MP का डेडिकेटेड ऑप्शन ऑन कर देंगे तो इसमें आपको जूम सपोर्टेड नहीं मिलता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आप लोग जूम वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन फ़ोटो बहुत ही क्लियर निकल के आती है। ये थोड़ा टाइम लगता है, लेता है सेव करने में यूजुअल फ़ोटो से। अब इसकी आपको डिटेल दिखाऊं, जो मैंने 48 MP में क्लिक करा है फ़ोटो, तो इसका जो देखेंगे रिजोल्यूशन 8000x6000 है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 48 निकल के आता है। तो ऐसे आप लोग 48 MP और 20 MP की फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं M21 में। और एक और कुल फीचर देखने को मिल जाता है M21 में कि आप इसका यूज़ करके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट नहीं पेपर स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पास ये मैच बॉक्स है, मैंने यहाँ पे रेयर कैमरा ओपन करा हुआ है। अब यहाँ पे इसको स्कैन करने की ट्राई करूँगा, तो इसको नीचे ले आके फोकस करना है। तो जो आपका ये था सीन ऑप्टिमाइज़र, ये अपने आप बता देगा टेक्स्ट है और ये टैप टू स्कैन का आपको ऑप्शन दे देगा। तो एक बार और ट्राई करते हैं, टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे स्कैन का एक बटन आ जाएगा, तो मैंने स्कैन कर दिया। सिंपली आपको टैप करना है स्कैन करने के लिए, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसके बाद ऐसा कुछ आ जाएगा, फिर आप लोग इसको जब सेव करेंगे तो सेव करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट सेव लिखा आ जाएगा और कुछ ऐसी फ़ोटो निकल के आएगी जो आपने स्कैन करा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है M21 के कैमरा में। अब बात कर लेते हैं स्लो मोशन की। तो इसमें आपको दो टाइप के स्लो मोशन वीडियो मिल जाते हैं। तो आपको मोर पे जाना है, मोर पे देखेंगे एक यहाँ पे सुपर स्लो मोशन है और एक मैंने ऑप्शन यहाँ लगा रखा है जो कि स्लो मोशन का है। तो बेसिकली जो स्लो मोशन है वो 240 FPS में कैप्चर करता है स्लोमो वीडियोस, और जो कि सुपर स्लो मो है ये 960 FPS में वीडियोस वगैरह कैप्चर करता है। तो आप लोग इसका यूज़ करके 960 FPS में वीडियो निकाल सकते हैं, जो कि केवल स्लो मोशन ये करता है 240 FPS में, जिससे इसका मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने भी मिनट की वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं स्लो मोशन से। लेकिन जो सुपर स्लो मोशन है ये केवल 8 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। आप लोग को दिखा देता हूँ कुछ, देखिए 8 सेकंड की कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ये, मे बी 4 सेकंड की कर सकता है, 4 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है ये। अब आपको अपने फ़ोन में अगर 4K वीडियो इनेबल करना है तो बेसिकली आपको वीडियो सेटिंग्स पे जाना है।
वीडियो मोड ओपन करना है। सबसे पहले वीडियो मोड ओपन करके आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको रियर वीडियो साइज़। तो यहाँ पे मैंने रिजोल्यूशन कर रखा है फुल एचडी। तो यहाँ पे आपको तीन रिजोल्यूशन मिल जाते हैं, एचडी, फुल एचडी और अल्ट्रा एचडी। तो बेसिकली जो अल्ट्रा एचडी मोड है ये 4K मोड है और इसमें केवल आप लोग केवल 10 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है वो 10 मिनट्स की है। तो यहाँ पे मैं आपको 4K में अगर रिकॉर्ड करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे 10 मिनट की लिमिट है आपको 4K वीडियो रिकॉर्ड करने की। तो ऐसा करके आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिजिटल स्टेबलाइजेशन वगैरह सपोर्ट नहीं मिलता है 4K वीडियो में। बाकी जो फुल एचडी वीडियो है यहाँ पे दिखाऊं फुल एचडी मोड में, तो ये भी 30 FPS पे रिकॉर्ड होगा, लेकिन इसमें आपको डिजिटल स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आपको सुपर स्टडी मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। सुपर स्टडी मोड एक तरीके से और वीडियो को मतलब स्टेबल कर देता है, लेकिन इससे ना थोड़ा वीडियो डार्क हो जाती है। देख सकते हैं नॉर्मल तो ये है बाय डिफ़ॉल्ट, और मैं इसको ऑन करता हूँ तो थोड़ी वीडियो डार्क सी हो जाती है। तो इसका यूज़ आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड है वो सिंगल टेक का। तो बेसिकली ये मोड आपको अपडेट करने के बाद मिलेगा सैमसंग M21 में। इसमें बेसिकली क्या है, अगर आप लोग किसी भी चीज़ की फ़ोटो लेते हैं, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ की फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तो इसको ना डिफरेंट एंगल से फोटो मतलब दिखाना पड़ता है, फ़ोन को रोटेट करना पड़ता है, तो फ़ोन अपने आप ही फ़ोटो कैप्चर कर लेता है। उसमें डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर वगैरह अप्लाई कर देते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक मैंने सिंगल टेक जस्ट रिकॉर्ड करा है और यहाँ पर दिखाऊँ आप लोग को, ये वीडियो थी इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मैंने सिर्फ एक एंगल से वीडियो रिकॉर्ड करा, लेकिन आप लोग अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड करेंगे तो उतने ही नीचे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप लोग को जो भी अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो सिंगल टेक बहुत ही कमाल का फीचर है, मतलब आप लोग को सही एंगल का अंदाज़ा नहीं है फ़ोटो लेते वक्त, आप डिफरेंट एंगल से ट्राई कर सकते हैं, बाद में जो बेस्ट शॉट लगे उसको आप लोग सेव कर सकते हैं। जो कि नेक्स्ट ऑप्शन अपडेट के बाद आया है वो है हाइपरलैप्स का। बेसिकली हाइपरलैप्स में क्या है कि इसमें नाइट हाइपरलैप्स का ऑप्शन आ गया अपडेट के बाद। में पहले नाइट हाइपरलैप्स का ऑप्शन नहीं था, तो ये अपडेट के बाद आया है। और इसमें आपको नीचे देखेंगे लाइव फोकस तो पता ही है, पोर्ट्रेट मोड, एक नाइट मोड भी मतलब इसका बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया फीचर लगा मेरे को ये। और वीडियो मोड में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे मान लीजिए वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करते करते इसका कैमरा स्विच कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं, अभी मैं रियर कैमरे पे हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और इसके साथ साथ आप लोग फ्रंट कैमरे पे भी स्विच कर सकते हैं। तो आप लोग एक ही साथ ही फ्रंट और बैक दोनों साइड की वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना वीडियो पॉज करे। तो अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते करते इसका कैमरा स्विच कर सकते देते हैं। तो आप वीडियो रिकॉर्ड करते करते इसका कैमरा स्विच कर सकते हैं, जैसे कि अभी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कुछ वीडियो ऐसी थी, और जैसे कैमरा स्विच करेंगे फ्रंट साइड दिखा देगा, लेकिन वीडियो पॉज करने की आप कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट वीडियो आप लोग मतलब रिकॉर्ड करते करते कैमरा स्विच कर सकते हैं। जो कि नेक्स्ट फीचर है वो आपको शटर बटन में देखने को मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे फोटो मोड पे हूँ मैं और मेरे को फ़ोटो क्लिक करनी है, और जैसे कि आप लोगों को पता है ये फ़ोन की स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो कभी कभी शटर बटन तक रीच नहीं हो पाते आप लोग। तो सिंपली आपको शटर बटन पे ऐसे करके स्लाइड कर देना, तो एक और शटर बटन अपीयर हो जाएगा, और इसका यूज़ करके भी आप लोग फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यूज़ करके आप लोग फ़ोटो वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। तो आप लोग दो दो शटर बटन ऐसा कुछ करके इनेबल कर सकते हैं। आपको नाइट मोड का बता ही दिया कि ये जो फ़ोन है अब अपने आप ही नाइट डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि मैं सिंपली फ़ोटो मोड पे हूँ तो अपने आप ही यहाँ पे लिखा आ जाएगा, अगर अभी शायद डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, अगर ज़्यादा अंधेरा होता है तो यहाँ पे यूज़ नाइट मोड का ऑप्शन आ जाता है एक और। तो विदाउट नाइट मोड में स्विच करें आप डायरेक्ट फ़ोटो मोड से ही नाइट फोटोज़ वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आया था फ़ोटो मोड में, अगर आप लोग जाएंगे और यहाँ पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। देखेंगे यहाँ पे फ़िल्टर्स, तो डिफरेंट टाइप्स के आप लोग फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। नीचे देख सकते हैं ये सारे बहुत सारे आपको फ़िल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। ये भी अपडेट के बाद ही आया था इस फ़ोन में। और मान लीजिए अपने फ़ोन का आपको वाटरमार्क हटाना, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वीडियो फ़ोटो वगैरह क्लिक करता हूँ, तो मेरे फ़ोन में यहाँ वाटरमार्क दिखा रहा है। अगर आपको डिसेबल करना है या फिर अपना वाटरमार्क लगाना है, तो सिंपली सेटिंग्स में जाना है और फिर जाना आपको नीचे स्क्रॉल करके वाटरमार्क पे, तो इस पर क्लिक करेंगे। सैमसंग ट्रिपल कैमरा लिखा आएगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन जो इसके नीचे लिखा आता है शॉट विद माय गैलेक्सी, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं।
तो चेंज करके कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर वाटरमार्क ही हटाना है तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ फ़ोटो निकल के आएगा। स्ट्रेट वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए ग्रिड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे यूज़ है ग्रिड लाइंस का, तो वो भी आप लोग कैमरा सेटिंग्स में जाके इनेबल कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। सीन ऑप्टिमाइज़र बहुत ही कमाल का फीचर है, जो मतलब सीन को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर देता है, कलर वगैरह थोड़े बूस्ट कर देता है। अगर मेरे से बाई चांस कोई भी फीचर वगैरह रह गया हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the